हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में एसपीएससी यानी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में एडी असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ है 22 नवंबर 2023 को, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड द क्लास में देखिएगा। अगर हम पेपर की बात करें तो इसके मोस्टली क्वेश्चन test.pk वेबसाइट से आए हैं, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। अगर हम पेपर की बात करें तो ये जो है असिस्टेंट डायरेक्टर बीपीएस 17 का पेपर था, और ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से 22 मई 2023 को शाम 2 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान लिया गया है। और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 थे, और 50 इसमें जो एमसीक्यूज है वो हम कुछ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन नेटो। नेटो की अगर हम बात करें तो नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस इसको समझा जाता है। इसके 31 मेंबर कंट्रीज हैं, और 31 इसका करेक्ट आंसर है। ये मिलिट्री अलायंस है। 4 अप्रैल 1949 को इसे वाशिंगटन में बनाया गया था। 12 इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। इस वक्त इसके करंटली 31 मेंबर हैं, जिसमें 29 जो है यूरोपियन हैं, और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर हैं। नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में यूएसए और कनाडा शामिल हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान, चाइना, इंडिया नेटो के मेंबर नहीं हैं। ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड इसका परमानेंट मेंबर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर 2023। सो नोबेल प्राइज जो कि हर साल दिया जाता है 6 शोबों में, नोबेल प्राइज जो कि हर साल 6 शोबों में दिया जाता है, इस साल 2023 में लिटरेचर यानी कि अदब का जो नोबेल प्राइज दिया गया है ये जॉन फोसे को दिया गया है। जॉन फोसे की बात करें तो ये नॉर्वे के एक ऑथर हैं, और इन्हें 2023 का जो है नोबेल प्राइज लिटरेचर की कैटेगरी में दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में फ्रांस की एक खातून थी जिसका नाम है एनी अर्नाक्स। एनी अर्नाक्स को 2022 का लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, लेकिन 2023 में जॉन फोसे साहब को नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में। करंट जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, इनका जो नाम है वो अजय बांगा है। अजय बांगा इसका करेक्ट आंसर है। इनको यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नॉमिनेट किया था, मई में इनकी कंफर्मेशन हो गई थी और ऑफिस इन्होंने जून में संभाला था। अब ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन यूएसए में लोकेटेड है। सो अजय बांगा इसका करेक्ट आंसर है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज सीपेक एग्रीमेंट साइंड बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान के माबेन जो सीपेक का एग्रीमेंट हुआ था ये 20 अप्रैल 2015 को हुआ था, और ये एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रोजेक्ट है। सीपेक का फुल फॉर्म होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये इसको इनिशिएट जो है इसको लॉन्च फॉर्मली किया गया था अप्रैल 2015 में, और ये $46 अरब का ये प्रोजेक्ट है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच कंट्री स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड। दुनिया का पहला अखबार जो है यूएसए ने वो शुरू किया था। यूएसए इसका करेक्ट आंसर है। यूएसए में जो है 1690 में अखबार की जो है वो एडिशन हुई थी। सो यूएसए इसका करेक्ट आंसर है। हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ दो तहरीक जब शुरू हुई थी 1942 में, तो उस वक़्त जो वायसराय थे इंडिया में वो लॉर्ड लिन लिथगाओ थे। और अगर हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो ये 8 अगस्त को शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, और इसे अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है। और ये लॉन्च जो है गांधी ने किया था, बम्बई से ये शुरू हुआ था, और इसका जो डिमांड था वो ये था कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में उसको ख़त्म किया जाए। और जिन्ना ने जो है ये नारा जो है स्लोगन यूज़ किया था कि डिवाइड एंड क्विट इंडिया, उन्होंने कहा था, गांधी ने कहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर जिन्ना ने कहा था कि डिवाइड एंड क्विट इंडिया। लॉर्ड लिन लिथगो जो थे ये 1936 से लेकर 1944 के दरमियान इंडिया के वायसराय थे, और ये कांग्रेस पार्टी ने गांधी ने शुरू किया था।
नेम द फर्स्ट पाकिस्तानी बैंक, पाकिस्तान का पहला जो बैंक था वो HBL था यानी कि हबीब बैंक लिमिटेड, और इसने अपना काम जो है 17 अगस्त 1947 को शुरू किया था। हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इस वक्त 9 मेंबर कंट्रीज हैं, 9 इसका करेक्ट आंसर है। पहले इसके 8 मेंबर कंट्रीज हुआ करते थे, लेकिन 9 जुलाई 2023 को ईरान इसका जो है मेंबर बन गया है, अब इसके 9 मेंबर कंट्रीज है। 9 जून 2017 को जो है इंडिया और पाकिस्तान इसके फुल मेंबर बने थे। SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसे 15 जून 2001 को इस्टेब्लिश किया गया था। एंटोनियम ऑफ कोइंसेंट इज एक्टिव, क्योंकि कोइंसेंट का मतलब होता है पुरसकून या फिर खामोशी, और एक्टिव का मतलब होता है जो एक्टिव हो, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा मज़ीद क्वेश्चंस भी आप हमारी वेबसाइट से जो है वो देख सकते हैं। ग्राफोलॉजी का क्या मतलब है, व्हाट इज़ ग्राफोलॉजी, ये भी पूछा गया था, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, और इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंध जो फतेह हुआ था, सिंध कैपिटल जो था क्या था, राजा दाहिर जो था, किंग दाहिर जो था सिंध में 712 से पहले, उसका कैपिटल कौन सा था, ये भी अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। हैदराबाद का ओल्ड नेम जो है वो भी पूछा गया था, नेरून कोट इसका ओल्ड नेम है। जैकबाबाद का पुराना नाम जो है वो खानगढ़ है, और हैदराबाद का जो पुराना नाम है वो नेरून कोट है। इसके अलावा हैरी पॉटर बुक सीरीज़ जो है इसके आथर का नाम पूछा गया है, जे के रोलिंग इसका करेक्ट आंसर है। हैरी पॉटर जो बुक सीरीज़ है उनकी आथर हैं, ये ब्रिटिश आथर हैं, जे के रोलिंग इसका करेक्ट आंसर है। डियर व्यूअर्स, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, इसीलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ आपको SPSC के पास पेपर्स मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ MCQs की सूरत में आपको जो है वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और यहाँ आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।